अंत से शून्य गिनना, अंत से शून्य गिनना, यह है टॉपिक आपका। अगर बात करा जाए तो अंत से शून्य गिनना जो है वो टॉपिक है। अंत से शून्य गिनना मतलब अंग्रेजी में इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेलिंग विथ जीरो, ट्रेलिंग विथ जीरो। मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूं कि विशेषकर हम इसको किस वे में यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। हम कहेंगे, मैं आपको अगर एक डिफिनेशन के माध्यम से इसको सूचित करूं, उसके बारे में बताऊं, तो यहां पर इसकी डिफिनेशन को लेकर भ्रम और कंफ्यूजन ना बने। तो हम कहते हैं कोई संख्या है, ध्यान से देखिएगा, कोई नंबर है या संख्या सीरीज है। संख्या सीरीज है, सीरीज आप जानते हैं व्यवस्था एक ऐसी होती है जिसमें क्रम से संख्याओं को रखा जाता है। कोई संख्या है या संख्या सीरीज है के गुणनफल, गुणनफल विशेषकर हम गुणनफल की बात करेंगे, के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, इस पर हम लोग चर्चा आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। मैंने कहा कोई संख्या हो या संख्याओं का समूह हो, ध्यान से देखिएगा, कोई आप लोग ऐसे ही पॉइंट कर लीजिएगा, कोई संख्या हो या संख्याओं का समूह हो, संख्याओं का समूह हो, और या कोई सीरीज हो या कोई संख्या सीरीज हो, अगर हम उनका मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा करें तो उनके अंत में कुल कितने शून्य आ रहे हैं, इनको गिनने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा काम ये बन जाता है कि हम शून्य को गिनने से पहले पता ये करें कि शून्य है कि नहीं है। किसी संख्या के अंत में सबसे पहला काम यहाँ पे अगर हम पॉइंट के हिसाब से इसको पढ़े तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा रहेगा कि शून्य को चेक करना, कि चेक करो कि अंत में शून्य है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम है चेक करिए। चेक करने के बाद दूसरा जो नंबर आएगा होगा काउंट करने का, मतलब गिनने की बात तब आएगी। तो यहाँ पर जो टॉपिक का उद्देश्य यही है कि कोई संख्या समूह हो, उनका गुणनफल हो, या कोई संख्या सीरीज हो जो कि गुणनफल के रूप में आपके सामने रखे गए हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, और गुणा करके काउंट करके बताएं उनके अंत में कितने शून्य हैं। तो अगर हमने आपसे डिस्कस किया, जो मैं अपने विवेक से अपने बुद्धि से आपको बताऊं, तो मैं कहूंगा भैया काउंट करने से पहले गिना जाता है, सॉरी काउंट करने से पहले चेक किया जाता है। पहले चेक तो करें कि है कि नहीं शून्य। अगर किसी संख्या या संख्या समूह के अंत में शून्य को पहले पहचान ले, चेक कर ले, इसके बाद हम गिनने की प्रक्रिया में आते हैं। तो हम सबसे पहले अगर चेक करने की दशा में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, चेक करने की अगर हम कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा नंबर दिया जाए, ध्यान से देखते जाइएगा, एक नंबर दिया 1950, अब इसके अंत में यह शून्य है, 1950 यह शून्य है और दो है, 19532 शून्य नहीं है। तो जब एक नॉर्मल संख्या दी गई है तो हमें उसमें कुछ किसी प्रकार का कोई टेक्निकल वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर सी बात हमें संख्या के समूह की बात करनी है। अब जैसे मान लीजिए हमको इसको छोड़ देते हैं, एक संख्या की बात तो हम बिल्कुल करेंगे नहीं आपसे, हम संख्याओं के क्रम की और समूह की बात करेंगे। मैंने आपको कुछ नंबर दिए, मैंने कहा भैया 35 है, 37 है, 39 है, 43 है, मुझे आप चेक करके बताइए कि इसके अंत में सबसे पहले मेरा काम क्या है, चेक करना। मैं काउंट करने की कड़ी में आपको जोड़ नहीं रहा हूं, अभी मैं आपसे सीधा सीधा बोल रहा हूं कि आप चेक करके बताओ कि शून्य है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले इसके अंत में चेक करो कि इसके अंत में शून्य है कि नहीं है। आपने किया है कि संख्या में शून्य है कि नहीं, इसको सबसे पहले देखा। तो आपने देखा कि यहां पर जब इनका मल्टीप्लीकेशन, अब आप कनेक्ट करिए, आपको मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया था, यूनिट डिजिट में हम क्या आइडेंटिफाई करते थे, एंड प्लेस क्या है, अंत में डिजिट क्या है। अब यहां पर अंत में डिजिट ही एक तरह से शून्य को निर्धारित करेगा कि है कि नहीं है। तो हमने देखा, तो आप सबने स्पष्ट कर दिया कि सर शून्य नहीं है इसमें। इसके लिए मैं आपको रीजन और तरीका बताता हूं। हमने कहा यदि संख्याओं, संख्या या संख्याओं की बात करें, संख्याओं में दो और पांच गुणनखंड के रूप में हो, गुणनखंड के रूप में हो तभी उनके अंत में शून्य आएगा, उनके अंत में शून्य होगा। मैंने कहा अगर हमारे पास जो संख्याएं हमको दी गई हैं, अगर उसमें दो और पांच एज ए फैक्टर, एज ए गुणनखंड के रूप में अवेलेबल होंगे तभी उसके अंत में शून्य आएगा, अन्यथा शून्य ही नहीं आएगा। मतलब अगर चेक करने की कोशिश करें तो हम केवल एक से भी नहीं, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सर यहाँ पर अंत में पांच है, मतलब पांच का एक गुणनखंड है, पांच एज ए फैक्टर इसमें उपलब्ध है, लेकिन दो तो नहीं है ना, तो मतलब हमें दो और पांच दोनों को ढूंढना है। केवल अगर पांच अवेलेबल है, केवल दो अवेलेबल है, किसी संख्या की बात कर रहे हैं, तो शून्य नहीं आएगा। दोनों उपलब्ध होंगे एज ए फैक्टर तभी शून्य आएगा। एक और छोटी सी पहचान हम यहाँ पर आपको करा देते हैं। छोटी सी पहचान ये है कि एक संख्या, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या पांच से विभाज्य हो, अगर पांच से विभाज्य होगी तो उसके अंत में या तो शून्य होगा या तो पांच होगा।
दूसरी एक और संख्या, एक और संख्या सम हो, संख्या सम हो, मतलब सम होने का अर्थ होता है कि उसके अंत में या तो शून्य हो, या तो दो हो, या तो चार हो, या तो छह हो, या तो आठ हो। मैंने कहा कि आपको अगर ऐसी दो संख्याएं नजर आ जाए किसी मल्टीप्लिकेशन में जिसमें एक पांच से विभाज्य हो, पांच से का मतलब होता है कि अंत में शून्य हो या पांच हो, दूसरी कोई एक संख्या मिल जाए जो सम हो, सम का मतलब अंत में शून्य हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, तभी वह संख्या पांच से कटेगी, तभी तभी उसके अंत में शून्य आएगा, तभी अंत में शून्य होगा, अंत में शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब जैसे अभी केवल हम काउंटिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप भी ध्यान से समझ रहे होंगे तो यही चीजें आपको नजर आ रही होगी। हम काउंटिंग की तरफ प्रोसेस नहीं, हम केवल अभी बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि शून्य है कि नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसके अंत में शून्य नहीं था। और कोई नंबर उठाऊं मैं, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। 48 है, 43 है, 49 है, 46 है, 45 है, प्लीज बताइए क्या इसके अंत में शून्य आएगा कि नहीं। यस आर नो में उत्तर दे, यस आर नो में उत्तर दे, शून्य आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर क्या है, अंत में पांच है, मतलब यह पांच से विभाज्य है। कई सारी संख्याएं हैं जो कि आपकी दो से विभाज्य है, बिल्कुल शून्य आएगा क्योंकि पांच और दो दोनों एज ए फैक्टर मिल रहे हैं। और एक आध नंबर हमने लिखा, मैंने लिखा 99, 98, 46, 44, 44, 43। अब बताइए इसके अंत में शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कह देना सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो सम संख्या तो है लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि पांच से विभाज्य है। तो मेरा यही एक उद्देश्य है और यही बताने का प्रोसेस है कि अंत में शून्य तभी आएगा, अंत में शून्य तभी आएगा जब वह एक संख्या पांच से कोई विभाज्य हो, दूसरी एक सम हो, मतलब दो कोई भी ऐसी दो संख्या नजर आ जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरे कलेक्शन में दो और पांच एज ए फैक्टर जरूर उपलब्ध हो, तभी वह संख्या शून्य अंत में देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो मेरे क्लास में तो मुझे लग रहा है आप सब कैपेबल होंगे इस बात के लिए जानने के लिए कि शून्य आएगा कि नहीं अंत में। अब अगर शून्य को आपने चेक कर लिया तो अगला नंबर होता है काउंट करना। काउंट करते हैं हम लोग कि शून्य के अंत मतलब कितने शून्य है। तो अगर हम समूह देखेंगे तो समूह को देख के इस बात को निर्धारित कर ही सकते हैं शून्य होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है काउंट करने की, गिनो तो कितने शून्य हैं। तो मैं गिनने के लिए एक थ्योरम बता देता हूं कि अंत में शून्यों की जो संख्या होती है, शून्यों की जो संख्या होगी वो किस पर, वो बराबर होगी दो और पांच, दो और पांच के जोड़ों के जोड़ों के, मतलब शून्यों की संख्या किसके बराबर होगी, दो और पांच के जोड़ों के बराबर होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने दो और पांच के पेयर मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे, उतने ही अंत में शून्य होंगे। अगर किसी समूह की बात करें, हमने चेक किया कि उसमें दो और पांच एज ए फैक्टर उपलब्ध है, तो उसके अंत में शून्य आएगा, ये तो कन्फर्म है। शून्यों की संख्या पता करने के लिए हमने दो और पांच के पेयर बनाए, जोड़े बनाए, जितने जोड़े हैं उतने शून्य हैं, जितने जोड़े हैं उतने शून्य हैं। अब आप जैसे ऐसे समझो, जोड़े कैसे निर्धारित हम लोग करते हैं, जोड़े जैसे निर्धारित करने के लिए, जैसे मान लो आपके घर में तीन कुर्सी है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जोड़े भी दिमाग में रखिएगा, पांच मेज है। अब बताइए कुर्सी और मेज के यूनिक कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे आप मुझे बताइए। जोड़े हमेशा मिनिमम नंबर पर डिपेंडेंट होते हैं, जो कम बार उपलब्ध होता है उस पर निर्भर करते हैं। अब आप देखिए यहां पर तीन कुर्सी तीन मेज के साथ जोड़े बना देगी, दो मेज वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी लेकिन फिर भी जोड़े नहीं बना पाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास पांच शर्ट है, तीन पैंट है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग शर्ट ऊपर का बदलते रहते हैं, पैंट वही दो तीन में ही कॉमन काम चलाते हैं। तो हम अगर लेकिन सेटिंग करें, जैसे सेट बनाए, तो पैंट और शर्ट के जो मिनिमम अवेलेबिलिटी है, जैसे दो पैंट है पांच शर्ट है, तो दो ही जोड़े बन सकते हैं। तो जोड़े हमेशा जो होते हैं मिनिमम अवेलेबिलिटी पर निर्भर करते हैं। ऐसे अगर आपको किसी समूह में दो और पांच एज ए फैक्टर दिख रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, देखिए जो सहमत हुए हंसने लगे, मुझे लग रहा है कि आपको एहसास हो गया होगा। सब ऐसे करते यार, हम लोग भी ऐसे करते हैं, पैंट एंट हम लोग जो है ज्यादा नहीं कम खरीदते हैं, और शर्ट ज्यादा खरीदते हैं, जिससे कि अगर दो पैंट हो और चार शर्ट हो, पांच शर्ट हो, तो पूरा हफ्ता गुजर जाता है, यही व्यवस्था होती है। बाकी अलग बात है कि कोई कहेगा सर हम एक ही पैंट से सब निभा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं दोस्तों जो आपके होंगे हमारे भी रहे, कि एक ही पैंट में पूरा हफ्ता निकाल देते थे, ठंडियों में तो महीना निकाल देते थे जींस इंस में ना। फिलहाल हम बात करेंगे जोक सफाड़े सब, हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यस यस यस, तो हमने जैसे कहा कि यहाँ पर जोड़ों की जो संख्या होती है वो मिनिमम अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती है। मिनिमम अवेलेबिलिटी मतलब जो मिनिमम बार अवेलेबल होता है, चाहे तीन हो चाहे पांच हो, जो कम बार उपलब्ध होगा उसी पर निर्भर करेगा।
अब आप जैसे ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दी, जैसे एक इस तरह का एक मैंने नंबर दिया, मैंने कहा भाई 80, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, मैंने कहा 35 है, 49 है, 45 है, 24 है, 33 है। आपसे पूछा जा रहा है किसके अंत में शून्यों की संख्या बताओ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, शून्यों की संख्या बताइए किसके अंत में कुल कितने आएंगे। अब देखिए हम काउंट करने जा रहे हैं, शून्यों की संख्या पता करने के लिए हम सबसे पहले तो इस बात के लिए निश्चित हो जाए किसके अंत में शून्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब शून्यों को पता करने के लिए मैंने ढूंढा जहां जहां से पांच मिले, जहां जहां से दो मिले, भैया ये क्या है, 5 × 7 है। मुझे समय दीजिएगा आप लोग, तुरंत का तुरंत जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ 10-15 मिनट गुजारिएगा, आईपीएल के चक्कर मत पड़िएगा, कुछ लोग इस समय आईपीएल के मूड में होंगे ना, वो चले पहले वही देखे कि उसका स्कोर कितना है, ये सब चक्कर मत पड़ना, इधर फोकस करिएगा, यहाँ पर आप सीख लीजिए शून्यों की संख्या, अगर आता है तो रिवाइज कर लीजिए। इसमें देखिए 5 × 9 है, 5 एक बार और मिल गया, यहाँ पर आपको अगर सही पूछा गया तो 8 × 3 है, 8 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 है, 2 × 2 × 2 है। तो मैंने देखा कि जो 5 था वो कितनी बार था, 2 बार था, 5 जो था वो 2 बार था, लेकिन मैंने 2 को देखा तो वह 3 बार है। तो अब जोड़े अगर हम बनाएंगे तो जोड़े कितने पर निर्भर करेंगे, 2 पर, मतलब अगर हम 5 को खड़ा करेंगे तो 5 जो है 2 बार है, और जो 2 है वो 3 बार है, अर्थात जोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जो मिनिमम उपलब्ध है उतने ही जोड़े, जैसे हमने देखा कि जो मिनिमम कौन उपलब्ध था, 5 उपलब्ध था, तो उतने ही जोड़े थे। तो जोड़े किस पर निर्भर हो गए, जो मिनिमम बार अवेलेबल है 2 और 5 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। एक दो नंबर इसी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और हम लोग कवर करते हैं, जैसे मैंने कहा 48 है, 73 है, 39 है, 25 है, 25 है, 26 है और 30 है। अब हमको यहाँ पर जोड़े निर्धारित करने, तो सबसे पहले कन्फर्म एक शून्य तो आना ही आना है। अब इसको देखा गया तो यह है 16 × 3, मतलब 2 की पावर 4 × 3, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 × 3 मतलब 2 कितनी बार है, 4 बार। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2, मतलब 5 2 बार हो गया। यहाँ पर सोचो 2 × 13 है, मतलब 2 1 बार मिल गया। यहाँ पर सोचा जाए तो 5 × 6 होगा, और 6 में 1 बार 2 मिलेगा। अब मैंने काउंट किया तो हम सबसे पहले 2 की बात करते हैं, तो 2 देखो 4 बार यहाँ पर है, ठीक है, 4 × 1 = 5 हो गया, 5 × 1 = 6, कितनी बार हो गया भाई, 6 बार। 5 की बात किया जाए तो 5 कितनी बार है आप बताइए, 2 बार है, 2 × 1 = 3 बार, कितनी बार हो गया, 3 बार। 5 यहां पर मिला 3 बार, और 2 कितना मिला है, 2 कितना मिला है, यहां पर 2 मिला है 6 बार, तो शून्यों की संख्या हो गई 3। शून्यों की संख्या कितनी हो गई बताइए, 3 हो गई। जो मिनिमम उपलब्ध है उतने ही शून्य है, उतने ही पेयर है, जो मिनिमम उपलब्ध है दोनों में उतने ही पेयर है, और उसी हिसाब से उतने ही शून्य है। मुझे लग रहा है कि यहां तक आप चीजों पे कंफर्टेबल हो गए होंगे कि अगर ऐसे छोटे मोटे मल्टीप्लीकेशन समूह में दिए जाए तो हम पहचान भी कर लेते हैं कि शून्य होगा कि नहीं होगा, और शून्य अगर होगा तो कितने होंगे। यहां तक सबको डन हो गया होगा, यहां तक डन हो गया है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो इन पर बेस बहुत रेयरर बनते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, अप्रोच बताता है, प्रश्न अब सीरीज से आता है, जो सीरीज ऐसी होती है जो थोड़ा सा घुमाती है, परेशान करती है, लेकिन अगर हम कंफर्टेबल है कॉन्सेप्ट को सीखे हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती। मैं आपको स्पष्ट करके दिखाता हूं, आगे बढ़ता हूं, आप लोग भी पेन कॉपी उठा लें और देखें आगे की बातों को, आगे की प्रक्रिया को। अब आपके पास देखो एक समूह आया, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, मेरे पास 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करने को दिया गया और मुझसे पूछा किसके अंत में शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या बताओ। आप लोग तुरंत यहां पर इतने कैपेबल हैं कि शून्यों की संख्या देखकर बता सकते हैं, क्योंकि आपको 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो आपने सबसे पहले देखा कि जैसे अभी मैं कुछ बातें यहां पर बहुत स्पष्ट करूंगा, बस आप प्रिपेयर रहिएगा मेंटली, जिससे कि हम उस चीज को नोट कर सके और दिमाग में सेट कर सके। मैंने देखा भैया 2 1 बार यही पर मिल गया, यहाँ पर 2 × 2 होगा, 2 बार मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी 1 बार 2 मिल जाएगा आपका, 2 × 3 है, यहाँ पर 2 जो है 2 × 2 × 2 मतलब 3 बार है। मैंने 2 की काउंटिंग जब करी तो आप मुझे बताओ 2 की काउंटिंग कितनी बार है, 1 बार 2 × 2 = 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, 7 बार 2 आया। 5 को जब काउंट किया तो 5 केवल 1 बार नजर आ रहा है, 5 1 बार हो गया। अब जो मिनिमम, अब आप जोड़े बताओ कितने बनेंगे, 1 बनेंगे,
तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई, शून्यों की संख्या एक हो गई। बट जैसे अभी यहां पर मैंने लिमिटेड नंबर दिया था आपको, तो आपको कोई समस्या दुविधा नहीं हो रही है। लेकिन अगर मान लो यही संख्या बढ़कर 99 होती, 999 होती, एक बड़ा वर्ग होता, बड़ा समूह होता, तो हम लोग इंडिविजुअली तो ट्रैक करना पड़ते, ना पहचान पाते, ना समझ पाते। तो ऐसे में हमको जरूरत क्या है शून्यों को पता करने के लिए, काउंट करने के लिए, दो और पांच के गुणनखंडों की संख्या। तो हम कैसे भी करके अगर कोई श्रृंखला समूह दी जाए, हम दो और पांच को एज ए फैक्टर काउंट कर ले तो हमारा काम आसान हो जाए। अब अगर यहां पर हम फैक्टर काउंट करने जा रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमें दो का फैक्टर काउंट करना है, पांच का फैक्टर काउंट करना है, तो अब एक एक को हम लोग रीड करके तो कर नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं एक प्रक्रिया बताऊं कि कंडीशन पहली तो यही है कि शुरुआत संख्या की एक से हो, मतलब एक से प्रारंभ होकर यन तक अगर कोई संख्या जाए तो जो यन हो, जो अंतिम संख्या हो, उसको लीजिए। अगर मान लो मुझे दो के फैक्टर पता करने हैं कि दो के कितने फैक्टर है, दो के ही नहीं, आप जिस भी किसी संख्या के फैक्टर पता करना चाहते हैं, चाहे तीन के, चाहे चार के, चाहे छह के, चाहे जिसकी मर्जी, आप अगर संख्या की शुरुआत एक से लेके अंत तक देख रहे हैं और आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि कितने कुल फैक्टर्स हैं उस संख्या के पर्टिकुलर, तो आप यन को उसी संख्या से भाग करिए, मतलब उस अंतिम संख्या को उसी संख्या, जैसे दो से पता करना है तो दो से भाग किया। अब मुझे बताइए बार कितना जाएगा, चार बार। फिर चार को भी मैंने दो से भाग किया, कितना बार जाएगा, दो बार। दो को भी मैंने दो से भाग किया तो कितना जाएगा, एक बार। तब तक भाग करना है जब तक भागफल जो है भाजक से छोटा ना हो जाए। अब ये एक को तो दो से भाग नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सबको जोड़ दिया, चार दो छह एक सात। अब देखो यहां पर सात बार है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मुझे दो का काम तो हो गया, सात बार दो आ रहे। पांच को भी हम चेक कर ले, पांच के भी फैक्टर्स को काउंट कर ले, तो नौ को मैंने पांच से भाग किया तो कितना बार गया, एक बार। पांच एक के पांच होता है, अभी एक को तो कर नहीं सकता हूं, तो कंफर्म हो गया पांच के एक फैक्टर है, देखिए मैच कर रहा है। अब हमको कंफर्म है कि दो के फैक्टर सात है, पांच के एक है, तो शून्यों की संख्या मिनिमम पे डिपेंडेंट है, मिनिमम पे डिपेंडेंट है, तो दो को हम छोड़ दें और एक को पता कर ले, मतलब दो के फैक्टर्स को छोड़ दे, इग्नोर कर दे, पांच के फैक्टर जो एक है उसको ले ले, वही शून्य की संख्या है, वही नंबर ऑफ पेयर है, वही हमारा उत्तर है। अब मुझे एक जानकारी आप लोग दीजिए अपने कमेंट से, अपने समझ से, मुझे क्या दो के फैक्टर को निकालने की आवश्यकता है कि नहीं है, मुझे प्लीज बताएं, कमेंट करके हमें बताएं। आप लोग अगर इतना समझ रहे हैं, क्या दो के फैक्टर को निकालने की आवश्यकता है, प्लीज कमेंट करके यस नो बताएं। रजत चौधरी नहीं, एस के सिंह नहीं, अजय कुमार नो, विजय कुमार गुप्ता नो, आप सब लोग लगभग लगभग कह रहे सर नहीं। इसका कारण स्पष्ट हो गया होगा, इसलिए क्योंकि दो जो होगा ऐसे किसी भी समूह में हमेशा दो जो होगा अधिकतम बार आएगा, वो मैक्सिमम टाइम आएगा, जबकि जो पांच होगा वो मिनिमम बार आएगा। और जोड़े जो होते हैं किस पर निर्भर करते हैं, जो मिनिमम पर निर्भर करते हैं। तो हमको दो को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पांच को ही चेक करने की जरूरत है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि फैक्टर किसी के भी गिन सकते हैं, तीन के भी फैक्टर आप गिन सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे अगर सोचो तो तीन के फैक्टर कितने हैं इसमें, इसको गिनने के लिए हम नौ को तीन से भाग करें और काउंट करके बता सकते हैं कि तीन के कितने फैक्टर, वो एक अलग बात हो गई। बट शून्य काउंट करने के लिए हमें दो की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता पांच की है, क्योंकि दो जो होता है हर एक नंबर के बाद आता है। दो एज ए फैक्टर दो आएगा, फिर चार पे, फिर छह पे, फिर आठ पर, हर एक नंबर के इंटरवल पर आ रहा है, जबकि पांच जो होता है हर पांच नंबर के इंटरवल पर आता है। इसलिए दो की अवेलेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी और पांच की अवेलेबिलिटी हमेशा कम रहेगी। तो हम लोग उपयोग किसका करेंगे फैक्टर को काउंट करने में, पांच का करेंगे, दो को हटा देंगे, ये कन्फर्म हो गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग अगर मान लो कोई और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, मैंने कहा भाई एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, सोवान बढ़ते गए और अंत में 99। मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके बताइए कुल कितने शून्य हैं, कुल कितने शून्य हैं, प्लीज बताइए यहां पर। हाँ, अब जैसे इसमें अगर शून्य को काउंट करना है एक से प्रारंभ है संख्या, तो मुझे जाहिर सी बात है कि हम पांच से ही भाग करेंगे। मैंने 99 को पांच से भाग किया, पांच 19 बार 95 होता है, 19 को मैंने पांच से भाग किया, पांच या 15 होता है, बस आगे तो जाना नहीं है। हमने क्या किया 19, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीन जो होता है पांच से छोटा होता है, मैंने 19 और तीन को जोड़ दिया 22 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई बताइए, 22 हो गई। नंबर आप जीरो कितने हो गए, 22 हो गए। आप किसी भी संख्या समूह को उठा लीजिए, इजिली आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को डन कर सकते हैं, आपके उत्तर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। एक और उठाया मैंने, मैंने कहा एक गुड़े, दो गुड़े, तीन गुड़े, चार गुड़े, सोवान आप पहुंच गए मान लो 325 पर। मुझे बताइए इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो। जो लोग कैपेबल है प्लीज बताएं, उत्तर बताएं।
कितने शून्य आएंगे इसके अंत में शून्यों की संख्या आप लोग फटाफट उत्तर करके हमें बताएं, 325 है। अभी आपको क्या करना था, फिर 325 को आपको 5 से भाग करना था, 5 से भाग दिया भाई, 5 अंक 30 होता है, 5 पचे 25 65 आया। फिर हमने 65 को 5 से भाग दिया, ठीक है 13 आएगा, 13 को मैंने 5 से भाग किया तो 2 आएगा, अभी तो अब इसके आगे तो पॉसिबल नहीं है, गबर हो गया है। 5 से इसको भाग दिया, 5 अंक 30, 5 पचे 25 65 हो गया, 65 को 5 से भाग दिया 13, 5 से 13 को भाग दिया, अब सभी को जोड़ दे, 13 दो 15 और 65 अगर 15 से जुड़ेगा तो 65 10 75 5 80 हो गया। शून्यों की संख्या कितनी हो गई बताइए, 80। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितने हो गए, 80। इजी है कॉन्सेप्ट। आप अगर कभी भी कोई ऐसी व्यवस्था देखो जो कि एक से प्रारंभ होकर यन तक जाए, हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए हमारी डिपेंडेंसी 5 पर होगी। 5 से हम अंतिम संख्या को तब तक भाग देंगे जब तक कि भागफल भाजक से छोटा ना हो जाए, प्रत्येक भागफल को जोड़ दे, वही नंबर आप फैक्टर है, वही नंबर आप जीरो है, वही नंबर आप पेयर है, वही नंबर आप जीरो है, और वही आपके प्रश्न का हल है। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, इसका उपयोग थोड़ा अच्छे से करते हैं हम लोग। आप इतना समझ गए प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ हमें, हम आगे बढ़े, थोड़ा उपयोग अच्छे से करें, एक थोड़ा सा अप्रोच इसका बड़े व्यापक स्तर पे देखें, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसी जगह पर हम चल करके डिस्कस थोड़ा सा करें। मुझे लग रहा है आपके कमेंट से साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप लोग प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, इसको अच्छे से सीख लिए। एक प्रश्न आएगा, ये चौथा होगा मेरे अकॉर्डिंग, एक प्रश्न आएगा, आपने एक शब्द सुना होगा, पहले प्रश्न नंबर डालने से पहले एक शब्द मैंने यूनिट डिजिट में भी आपको समझाया था, फैक्टोरियल समझाया था, मुझे याद है और आप सभी लोग जानते भी होंगे, मैंने इसमें समझाया था, थोड़ा सा मैं और भी और दूंगा कि क्रम गुणित इसको कहते हैं। अब क्रम गुणित को ना समझा के मैं आपको पहले एक प्रश्न देता हूं। मैंने कहा कि 48 का फैक्टोरियल है, अंत में शून्यों की संख्या बताइए, अंत में शून्यों की संख्या बताइए, 48 का फैक्टोरियल है, अंत में शून्यों की संख्या बताए। तो आपको मतलब जैसे मैं फैक्टोरियल, इसका मतलब भाई होता है n, n और ऐसे बढ़ते गए 3 × 2 × 1, ये हो गया, अंत में एक से एंड हो गया। अब अगर किसी का भी फैक्टोरियल आप, जैसे मान लीजिए इसके फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 48 × 47 × 46 × 45 ऐसे बढ़ते जाइए, अंत में 3 × 2 × 1 यहां पर पहुंच गया। देखिए अब इसी को थोड़ा मोड़ दीजिए तो आपको आपका पहचान नजर आएगा, आपके मित्र नजर आएंगे जो भी आपको दिखे थे इसके पहले वाले प्रश्नों में, कैसे 1 × 2 × 3 × 4 × अब आप कहोगे सर इतना व्यापक क्यों बता रहे हैं, हम समझ गए, मुझे लग रहा आप समझ गए होंगे, मतलब जो 48 है बेसिकली अगर सोचा जाए तो वह 1 से लेके 48 तक का मल्टीप्लीकेशन है, यही तो है ना, हाँ यही है। तो हम क्या करें, इस संख्या को जो अंत की संख्या है जिसका फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है, जिसके फैक्टोरियल के अंत में शून्य गिनना है, हम लिखेंगे 48/5, 5 × 9 = 45 होता है, 9 को 5 से भाग किया, 5 × 1 = 5 होता है, अब तो जाएगा नहीं, 9 और 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 10, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई, शून्यों की संख्या 10 हो गई। काउंट कर सकते हैं फैक्टोरियल के इस, मतलब इस प्रोसेस को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी हम रीड कर सकते हैं, बता सकते हैं। इतने में आप लोग तैयार हो गए, क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है। एक और बताइए आप लोग मुझे, एक क्वेश्चन और लीजिए और फटाफट उत्तर बताइएगा, 213 का फैक्टोरियल है कि अंत में, कि अंत में शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या, इसके अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, चलिए कौन बता रहा है इसका उत्तर, फटाफट बताए हमें कि अंत में शून्यों की संख्या, 213 का फैक्टोरियल है और इसके अंत में शून्यों की संख्या बताइए क्या होगी। हाँ अब इसमें भी वही प्रोसेस है, इस अंतिम संख्या को उठाइए, ये मतलब एक तरह से जिसका फैक्टोरियल आप फाइन कर रहे हैं उसी को लेते हैं, उसी को मानते हैं कि एक से प्रारंभ होकर इसी पे जाके एंड किया। मैंने क्या किया, अब उत्तर आपके आ रहे हैं 51, 51 लगातार, रजत चौधरी, श्रवण, शिवम, अक्षय, अनु, सभी का उत्तर आ रहा है मेरे पास 51। मैंने क्या किया, 230/5, क्या लिखेंगे, 5 × 20, 5 × 2 = 10, 42 होगा, 42 को आप 5 से भाग करो, 5 × 8 = 40, 8 को आप 5 से भाग करो, 5 × 1 = 5, अभी हो गया 8 × 1 = 9 हो गया, 42 × 9 = 51 हो गया, बिल्कुल जितने लोगों ने हमें 51 बताया था, 51 टाइम्स, मतलब स्पष्ट है कि नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, शून्यों की संख्या 51 हो गई, कंफर्म है शून्यों की संख्या यहां पर इस प्रश्न में कितनी हो गई, 51 हो गई, आप सभी लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कंफर्म हो गया सभी लोग,
आगे बढ़ा जाए। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे का क्या प्रारूप है। जैसे अभी देखो ध्यान से, यहां तक सबका क्लियर है? फैक्टोरियल के अगर ये छोटे मोटे प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप सभी लोग आराम से बता सकते हैं इस प्रश्न का हल। एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा एक और कर लीजिए फिर मैं आगे की प्रक्रिया अपनाता हूं। मुझे बताइए 515 का फैक्टोरियल अगर है, इसके अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या बताएं, शून्यों की संख्या बताइए क्या होगी। चलिए 515 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। यस, कितनी हो रही है काउंट करें। अभी देखो कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, हल कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, लेकिन उत्तर भी आया नहीं किसी का। यन इसको मान लो अंतिम संख्या यही है, हमने तुरंत देखी, प्रभात ने बताया, सम्राट राय ने बताया, शशि ने बताया, प्रिया ने बताया, 127, 125 में आपका कंपटीशन है और कुछ लोग 105 भी बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 515 को हमने 5 से भाग किया, कितना आया? 5 × 5, 5 × 15, ऐसा तो नहीं किसी का 13 आ गया था? मुझे बता दीजिएगा, शरमाइएगा मत, आप लोग करने वाले शरमाने वाले शरमा जाते। देखिए उत्तर आया भी है, तो कहने का सेंस है किसी को जो है, किसी का 13 तो नहीं आया था ना? नहीं आया होगा, चलिए नहीं आया तो अच्छी बात है, लेकिन आता है, बहुत सारे लोग कर देते हैं। 103 को अब मैं 5 से भाग करूंगा, 20 हो जाएगा। 20 को मैं 5 से भाग करूंगा, 4 हो जाएगा। बस अब 4 तो जाएगा नहीं, हम जोड़ देंगे, तो भैया 7 हो गया और 127 हो गया, 127 टाइम्स, और यही अंतिम बार, मतलब इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या है। इस कैलकुलेशन में शून्यों की संख्या कितनी हो गई है? 127 हो गई। चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग काउंट कर लिए और 103 बता दिए, 103 ही बताइएगा। ये हो गया आपका, इस तरह के छोटे छोटे जो फैक्टोरियल्स होते हैं उनका उत्तर आपने बता दिया, उनके अंत में शून्यों को काउंट कर लिया। मैं देख रहा हूं कुछ वीडियो चलने में प्रॉब्लम आ रही लोगों को, हाँ ऐसा है क्या? वीडियो के चलने में, बफरिंग में, नेट में, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ इधर से तो सब ओके है मेरे हिसाब से। हाँ अभी सही है, ओके आगे चलते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न लूंगा, आप लगेगा आपको कि सर इसको क्यों ले रहे हैं, लेकिन उसके लेने का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको एक नंबर लेकर बताया, हमने कहा भैया 15 है, गुड़े 16 है, गुड़े 17 है, गुड़े 18 है, गुड़े 19 है, मुझे बताइए शून्यों की संख्या। अभी आप कहोगे सर इसको तो पहले आप बता ही चुके हैं, इस तरह के नंबर को लेने की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता अगले प्रश्न से नजर आएगी। अगर मुझे इसमें शून्य फाइंड करने हैं तो मैं इंडिविजुअली रीड करूंगा, इंडिविजुअली रीड करूंगा, भाई इसमें 5 दिख रहा है, 5 × 15 होता है, बाकी कहीं 5 है नहीं है, 2 तो कई बार है, देखो 2 यहाँ पर 4 बार है, यहाँ भी 2 एक बार दिख जाएगा, 2 को मत काउंट करिए, 5 को देखिए, शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी, शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी, विदाउट एनी डाउट सभी लोग उत्तर 1 बताएं। हाँ प्रॉब्लम तो तब होगी जब आपको यही प्रश्न कुछ ऐसे दिया हो, 15 है, 16 है, 17 है, सोमान बढ़ते गए, 115 है। अब आपके सामने समस्या है, जो यहाँ पे हम 19 पे रुके थे, हम जाके 115 पे रुक रहे हैं, 1015 पे रुकेंगे, बहुत बड़े नंबर पे रुक सकते हैं। अभी आप इंडिविजुअली रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में आया कि इसका पैटर्न सोचा जाए, पैटर्न भी नहीं बन रहा है, क्योंकि शुरुआत 1 से नहीं है, शुरुआत 1 से होती तो पैटर्न बना लेते, बट पैटर्न भी नहीं बन रहा है, ना तो इंडिविजुअली केयर कर पाएंगे, बट हम पैटर्न फील तो कर सकते हैं ना। फील कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर यह संख्या 15 से प्रारंभ है तो इसके पहले तो कुछ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 14 रहा होगा, सोवान बढ़ते बढ़ते 1 से लेकर यहां पर ये नंबर्स लिखे गए होंगे। तो हमारा यहां पर काम ये हो जाता है कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 115 तक रीड करें, फिर हम 1 से लेकर 14 तक रीड करें, जो यहां पर मान मान लो ए आए, यहां पर मान लो बी आए, हम इसको जो फाइन करना चाहते हैं इसके लिए हम ए माइनस बी कर दे, मतलब हम शून्य काउंट करें 1 से लेकर 115 तक, 1 से लेकर 14 तक, और जो शून्य आए दोनों का डिफरेंस कर दे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, अब यहां से भी इतना कुछ ये सब टेबल और स्ट्रक्चर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा जो अंत है उसको लीजिए और जहां से प्रारंभ है उसके पहले को लीजिए। तो जो अंत है वो 115 है, मैंने 115 भागे 5 किया, 5 दूना 10 होता है, 23 पंचे होता ही 115, सीधा सीधा 5 दिया, 23 को 5 से भाग किया, 5 चौके 20 होता, अब तो जाएगा नहीं, भैया 23 4 27 है, इसका मान कितना हो गया 27।
इधर आ जाते हैं सब लोग, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, 14 की। 14 के लिए हम 5 से इसको भाग करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 5, 5 दूना 10, अभी 2 तो जाएगा नहीं, इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। अभी आपको उत्तर निकालना है, तो 27 माइनस 2 कर दे तो सही सही उत्तर कितना हो गया, 25। करेक्ट है, 25 सही हल है, 25। यहां पर तुरंत बता दीजिए, इतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, एक प्रश्न और लूंगा तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये भी क्लियर है। कमेंट आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, बिना मेरे से पूछे, बिना मुझसे कहे, मैं कहूं इससे पहले ही बता सकते हैं कि समझ में आता है कि नहीं आता है, मतलब ये जो बातें हमने बताई ये क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। एक नंबर और लूंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो चलो ठीक है, आ गया होगा। मैंने कहा कि देखिएगा, 112, 113, 112, 113, सो बढ़ते चले गए, 725 है। अब आपको इसके अंत में शून्य काउंट करने, शून्य गिनने, शून्यों की संख्या गिननी। तो वही चीज इसमें भी है कि आप जो एंड है उसको उठाइए और जो प्रारंभ है उसके एक पहले जाइए, 111 मिलेगा। तो सबसे पहले 111 को ही लेते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 से 22, 5 से 110, 22 जाएगा, 22 को 5 से भाग करिए, 5 चौके 20 जाएगा, 22 चार कितना हो गया, 26। 725 को उठाइए, 5 से भाग करिए, 5 एक के पास 2, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 145 हो गया। मैं गलत करूंगा तो मुझे तुरंत टोकिएगा आप लोग। 145 को मैंने 5 से भाग किया, 5 दूना 10, 4 5 9 45। 29 को मैंने 5 से भाग किया, 5 5 25, 5 को मैंने 5 से भाग किया 1। अगर मैंने कहीं गलती हो तो प्लीज बताइएगा। भैया ए जुड़कर 30 होगा और ए जुड़कर 150, मतलब 180 होगा, 180 है, मैं करेक्ट हूं, बिल्कुल 180 इधर है और उसमें से घटाना है 26, 180 से घटाना है 26, 10 से 6 4 होता है, 7 से 2 5 होता है, क्या है सही है 154, 150 पे राइट है, यस राइट है, आप सभी की सहमति दिख रही है, मुझे लग रहा है कि एकदम कंफर्म सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं, 154 इज द राइट सोल्यूशन, यही करेक्ट हल है, यही करेक्ट उत्तर है, यस यस। चलिए तो मुझे अब इस बात की भी कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप इस तरह के प्रश्नों को भी अब सीख लिए, यहां तक सीख लिया है सभी लोग, तो आगे बढ़ूं मैं कुछ और क्रम और सीक्वेंस के प्रश्न पढ़ूं, जैसे कि अगर वीडियो में लिखा हो कि जो है एक ही वीडियो में सब कुछ, तो हम एक ही वीडियो में जहां तक हो सके एटलीस्ट वहां तक तो पढ़ा ही दे, ऐसा नहीं कि छोड़ के हम भग जाए हट जाए, आप भले ही संख्या में कम हो लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है उसको स्पष्ट करें, कंप्लीट करें। आइए कुछ और श्रृंखलाएं देखी जाए, उन श्रृंखलाओं को अच्छे से कवर किया जाए। सबसे पहले मैं एक श्रृंखला आपको देता हूं, अभी जैसे हम लोगों ने किया था, तमाम हम ऐसे पढ़ते गए, मैंने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, 4 5 6 प्रश्न बताऊंगा, कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। अब इस तरह में तो कोई डाउट आपको मेरे हिसाब से नहीं रह गया कि है भाई 1 से लेके 58 तक की संख्या है, नंबर आप 0 फाइंड करने हैं, नंबर आप 0 फाइंड करने हैं, शून्यों की संख्या। तो आपने क्या किया, तुरंत 58 उठाया, 58 को 5 से भाग किया, ठीक है, 5 से भाग किया कितना जाएगा, 11 5 55, 11 को 5 से भाग किया, 5 दूना 10, बस 11 2 13, कहेंगे आप सर 13 है, तो इसकी बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब अगले को जरूरत पड़ेगी। मैं हट रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मुझे इसके बारे में बताइए आप लोग, 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 99, बताइए, नंबर आप 0, नंबर आप 0, प्लीज कमेंट करें, आपके उत्तर चाहता हूं मैं। 1 से शुरू किया मैंने और हम लोग 99 पर पहुंचे, बट आप क्रम देख रहे हैं, रजत ने बहुत बड़े रिस्पांस, अखिलेश राव, अमर, रोशनी, अजय, देखिए तुरंत इन लोगों ने बताया सर 9। आपने देखा कि ये विषम संख्याएं हैं, क्या है, विषम संख्याएं, और विषम अगर संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात 2 तो इन्वॉल्व इनमें नहीं होगा, तो विषम संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन में कभी शून्य नहीं आएगा, कभी शून्य नहीं होगा, इसके अंत में कभी शून्य नहीं होगा। तो आपने देखा कि अगर 1 से लेकर 99 तक की संख्या गई है तो नो जीरो विल ऑब्टेन इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 to infinite नंबर ऑफ ऑड, इनफिनाइट ऑड नंबर्स। तो अगर आप 1 से लेकर इनफिनाइट तक, मतलब कहीं तक अनंत तक ऑड नंबर काउंट करते हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो नो जीरो विल बी ऑब्टेन इन द एंड, अंत में कभी शून्य नहीं आएगा। आगे बढ़ता हूं, तीसरा लिखा मैंने 2 गुणे, अगला देखिएगा आप सभी लोग, मैंने लिखा 2 गुणे
चार गुड़े, छह गुड़े, आठ गुड़े, दस गुड़े, स्वान बढ़ते गए और हमने अंत में लिखा 60। मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो अंत में शून्यों की संख्या। थोड़ा सा पैटर्न को अच्छे से फील करिए और पैटर्न को समझिए तब रिस्पॉन्स करिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि यहां पर क्या प्रोसेस है। जैसे दो लिखा है तो दो को आप क्या लिख सकते हैं, दो गुड़े एक लिख सकते हैं। चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुड़े दो लिख सकते हैं। छह को क्या लिख सकते हैं, दो गुड़े तीन लिख सकते हैं और बीच में सबके गुड़ा लग रहा है, बढ़ते चले गए। और इसको क्या लिख सकते हैं, दो गुड़े साठ लिख सकते हैं, तीस लिख सकते हैं। मतलब दो से लेके अगर साठ तक की संख्या दी गई है तो सबके सब में आपको दो मिलेगा, सब में दो मिलेगा। क्या मैं कॉमन कर सकता हूं दो? नहीं, क्योंकि जोड़ नहीं है, गुड़ा है। मुझे सब में से दो निकालना पड़ेगा। अगर मुझे आप कॉमन की बात कराओगे तो मैं सब में से दो निकालूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और दो कितनी बार आएगा, तीस बार। मतलब दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीस बार तो दो आपको मिल रहा है। सब में से अगर एक एक दो निकाल दिया तो बचेगा क्या, यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर तीन और यहां पर अंत में क्या, तीस। अभी जो आपका ऐसे कुछ लिखा हुआ था अब इस तरह से बढ़ गया, मतलब दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीस बार, इट्स वन नंबर, एक नंबर मिल गया। और ये जो ब्रेकेट में लिखा है, एक दूसरा नंबर मिल गया। अभी हमें शून्य काउंट करना है। मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं दो संख्याएं आपसे मल्टीप्लाई करने को कहूं, मान लो एक तेरह है और एक आपका सौ है, इसमें शून्य है, नहीं है, इसमें दो है, अगर गुणा करेंगे कितने शून्य आएंगे, दो। मतलब दो संख्याएं थी जिसमें एक में नहीं था, एक में था, तो जब गुणा करोगे तो शून्य किसके बराबर होगा, जितने शून्य इसमें है उतनी के बराबर होगा। तो आपके पास दो संख्याएं हैं, एक तो यह संख्या है जिसके अंत में कोई शून्य नहीं है, जो भी शून्य अवेलेबल है इसी में है, और वही वह क्रम बन गया एक से लेके तीस तक वाला, एक से लेके अंत तक वाला। तो बस उसी को पकड़िए और इनको पूछिए, भाई तुम कितने शून्य रखे हो, तीस बटा पांच, छह बार, छह बटा पांच, एक बार, बस हो गया काम खत्म, सात बार। मतलब इस जो ब्रेकेट में लिखा नंबर है इसके पास कुल सात बार शून्य था, तो हमें इनसे मतलब नहीं रह गया, अब केवल मतलब इनसे रह गया, शून्यों की संख्या सात हो गई। तो एक तरह से अगर आपकी जानकारी के लिए मैं कहूं तो आपको इतना स्ट्रक्चर जनरेट करने की आवश्यकता नहीं थी, इतना स्ट्रक्चर जनरेट करने की आवश्यकता नहीं थी। आप सीधा सीधा क्रम देख रहे थे, आप अंतिम में जाते, भैया दो गुड़े तीस है तो भाई चलो यही तीस को पकड़ लो और यही काम कर डालो, हो गया शून्य आ गया। हमें पूरी प्रक्रिया, इतना स्ट्रक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंतिम नंबर को देखिए, दो गुड़े तीस है, उसी को लाइए और अपना काम करिए, आगे बढ़ जाइए। सहमत है सभी लोग? यस, सहमत है। तो अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न मैंने लिखा तीन गुड़े, छह गुड़े, नौ गुड़े, बारह गुड़े, पंद्रह गुड़े, आगे बढ़ता गया मैं और लिख दिया मैंने 81। बताइए नंबर ऑफ जीरो। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी अगर आप चाहोगे तो मुझे शून्य बिना मेरे बताए आप बता सकते हैं। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। प्रतिमा जी समझिए तो समझ में आ जाएगा। यस, हाँ प्लीज बताइए क्या सही हल है, क्या इसका उत्तर है। कितने लोग बता रहे हैं जो मेरे से बताए पहले? यहां पर भी सब में से तीन निकलेगा क्योंकि तीन के हिसाब से चल रहा है। सम्राट राय ने उसका उत्तर बताया, इसमें भी तीन एक मिलेगा, दूसरा तीन, तीसरा तीन, इस प्रकार से अगर तीन की बात किया जाए, तीन गुणे सत्ताईस। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, आप समझ रहे हैं ना। इसमें से भाई तीन गुणे एक है, हाँ तीन गुणे दो है तो कन्फर्म है भाई तीन तो आएगा। कितनी बार आएगा? सत्ताईस बार आएगा। बाकी अरेंजमेंट वैसे ही होगा और अंत में सत्ताईस होगा। सत्ताईस तरीके इक्यासी होता तो हमको किसी भी हालत में सत्ताईस को पकड़ना है। चलो सत्ताईस को बुलाते हैं, पांच से भाग करते हैं, पांच पचे पच्चीस है, बस अब संभव नहीं है। पांच को पांच से भाग किया, पांच एक के पांच, कुल मिला के छह। क्या मैं सही हूं और क्या आप समझ गए? दोनों बातें बताइए, क्या मैं सही हूं और क्या आप समझ गए? प्लीज मुझे कंफर्म करिए, मैं आगे बढ़ू। थोड़ा समय और दीजिए, पांच मिनट का, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इसी के बाद। एकदम क्लियर है, समझ गए, वेरी गुड। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। एकदम सही बात है, छह है और सही है और कंफर्म आप समझ गए। तो ऐसे ही अगर मान लो चार गुड़े आठ गुड़े बारह गुड़े सोलह और बढ़ते चले गए, हम लोग पहुंच गए मान लो सौ पर, तो मुझे बताइए नंबर आप जीरो, नंबर आप जीरो। सेम प्रोसेस है कि नहीं है, मुझे आप कंफर्म करिए, उत्तर बताइए। अब मैं उत्तर पूछ रहा हूं, मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि है कि नहीं है, क्या है कैसे है, फटाफट उत्तर बताए। छह, वेरी गुड। सेम कॉन्सेप्ट है, चार एक के चार, चार दूना आठ, चार तिया बारह, चार गुड़े पच्चीस, चार गुड़े पच्चीस। तो आप कहोगे सर ये पच्चीस को बुला दीजिए, पच्चीस बटा पांच कर दो, पांच पचे पच्चीस,
पांच को फिर पांच से भाग कर दो एक, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई एक, सॉरी छह, पांच एक मिलके कितना हुआ छह, कितने शून्य छह, कंफर्म। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ता हूं, फिर मैंने लिखा पांच गुड़े दस गुड़े पंद्रह गुड़े बीस गुड़े पच्चीस गुड़े, स्वान बढ़ते चले गए और हम पहुंच गए, मान लीजिए सपोज करिए हम पहुंच गए हैं सौ पर। चलिए अब मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो प्लीज बताएं कितने शून्य होंगे, काउंट करिए और इस प्रश्न का भी हल बताएं। हाँ, मैंने कहा पांच गुड़े दस गुड़े पंद्रह गुड़े बीस गुड़े पच्चीस गुड़े, और अंत में हम पहुंचे हैं कहां पर, अंत में पहुंचे हम लोग सौ पर। शून्यों की संख्या आप प्लीज बताएं सभी लोग कितनी होगी। अब आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में यही चल रहा है सर पांच गुड़े एक है, पांच गुड़े दो है, और ये क्या है पांच गुड़े बीस है। तुरंत अधिकतर लोग के दिमाग में आया कि सर बीस बटा पांच, पांच चौके बीस, अब संभव नहीं है। तो आप में से अक्सर लोगों ने चार बता दिया उत्तर, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आपने चार बताया है तो पूरी तरह से गलत है। अब आप कहोगे सर गजब ये तो कैसे गलत हो गया, अभी तक यही सही कर रहा था और यहां हो गया गलत। अब गलत है तो पहले समझो गलत क्यों है। गलत इसलिए भाई है कि आपने क्या किया, पांच गुड़े दो है, आपको पता है इस तरह से पैटर्न जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, हम लोग पांच से क्यों भाग देते थे, पांच से क्यों भाग देते थे, दो से क्यों नहीं देते थे, मुझे बताइए क्यों। शुरू में पढ़ा हम लोगों ने ना, पांच से इसलिए भाग देते थे क्योंकि पांच की अवेलेबिलिटी कम होती थी, जो कम होता था वही पेयर बनाता था और उसी को हम नंबर ऑफ जीरो मान लेते थे। यहां तो यार सब पांच ही तो है, पांच की भरमार है, यहां पे दो दब गया, पांच बढ़ गया, यहां पर पांच भरा पड़ा है आपके पास एज ए फैक्टर, पांच की काउंटिंग यहां पर ज्यादा है। कैसे, मान लो एक पांच दूसरा पांच तीसरा पांच चौथा पांच बीसवा पांच, पांच की पावर बीस निकाला आपने, पांच की पावर बीस निकाला तो बचेगा क्या, एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े सोवान गुड़े बीस। सोचो अगर ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, इसमें पांच को जब गुणनखंड काउंट करें तो बीस बार बेचारे यही हैं, ये लोग कितने ज्यादा, सोचो इनकी संख्या। इसमें भी अगर आप पांच को सोचो तो अभी बीस को हमने पांच से भाग किया था, पांच चौके बीस हुआ था, चार तो जानी, तो चार बार यहां पे भी मिल गया, कुल मिला के बीस चार चौबीस है, मतलब चौबीस बार अगर सोचो, चौबीस बार तो पांच है, चौबीस बार क्या है पांच है। तो अभी पांच की उपलब्धता यहां पर ज्यादा है, पांच की उपलब्धता क्या है ज्यादा है, तो हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो जाएगी, दो के ऊपर हो जाएगी। मतलब ये हम समझ गए कि जो दो है वो कम बार है, भाई पांच कितनी बार है चौबीस बार है, दो कितनी बार है वो कम बार है, और जो कम बार होता है वही शून्य बनाता है। तो मैंने बीस को, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग शून्य थोड़ी बना रहे, भले पांच दे रहे लेकिन शून्य नहीं बना रहे, भले पांच दे रहे लेकिन शून्य नहीं बना रहे, तो हमने 20 को 2 से भाग किया, कितना बार जाएगा 10 बार, 10 को मैंने फिर 2 से भाग किया, कितना बार गया 5 बार, 5 को फिर 2 से भाग किया, 2 दूना 4 बार, 2 को 2 से भाग किया 1 बार, तो भैया 2 1 3 3 5 8 10 18, कितना बार आया 18 बार। अब सोचो 2 कितनी बार उपलब्ध है 18, 5 कितनी बार उपलब्ध है 24, तो शून्य कौन होगा, जोड़े, अब आप खुद ही बताइए, 5 है 24 बार और 2 है 18 बार, तो पेयर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 18 के ऊपर कि 24 के ऊपर, 18 के ऊपर। अगर आप में से कुछ लोगों ने हमें इस तरह से भी उत्तर बताया था तो गलत था, 18 शून्य आएंगे इस प्रश्न में, नंबर आप जीरो क्या हो जाएंगे, और ये कंफ्यूजन का प्रश्न है, अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 18 शून्य टोटल आ रहे हैं, कितने शून्य आ रहे भाई 18 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, कंफर्म हो गई बातें। फिर दिमाग में रखिएगा, जब भी कभी पांच का मल्टीपल हो तो पांच को एज ए फैक्टर सब में से निकाल लो। अब जो हमारे पास एक से जो क्रम बनेगा उस पे हम दो को एज ए फैक्टर निकालें, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यहां पर जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है पेयर बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, हम क्योंकि पेयर के लिए हम मिनिमम को ढूंढते हैं, और जो मिनिमम है यार यहां पर पांच नहीं, क्योंकि वो तो सब में समाया है, तो मिनिमम यहां पर दो है, तो आपकी डिपेंडेंसी दो के ऊपर हो जाती है। जैसे एक प्रश्न और मैं लेता हूं तो आपको क्लियर यहां पर समझ में आ जाएगी बातें। उठा लीजिए एक प्रश्न और, हाँ लिखिए, मैंने कहा कि जो है पांच है दस है पंद्रह है बीस है और सो ऑन बढ़ते चले गए और हमने लिखा 500। मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस प्लीज, नंबर ऑफ जीरोस बताइए, इसके अंत में
इसके अंत में कुल कितने प्रश्न होंगे, इसके अंत में कुल कितने सॉरी इसके अंत में कुल कितने शून्य होंगे आप मुझे प्लीज बताइए। अभी कितना होना चाहिए फटाफट बताएं सभी लोग। यस यस हाँ जल्दी से बताएं। 97 पीके सिंह, और कौन बता रहा है? यस यस पांच से लेकर 10, 15, 20, 25 तो जाहिर सी बात है कि सब में पांच अवेलेबल है, तो हमें पांच की आवश्यकता नहीं, हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है दो की। तो हमने क्या किया, फिर से वही काम किया, क्योंकि मुझे पता है कि 5×100 है, यहां समझ कर चलिए अगर गलत ना होने पाए। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 100 को उठाएंगे और कहेंगे भैया दो के फैक्टर, जितने दो के फैक्टर उनको काउंट करो। मैंने दो से भाग किया 50 गया, 50 को दो से भाग किया 25 गया, 25 को दो से भाग किया 12 गया, 12 को दो से भाग किया 6 गया, 6 को दो से भाग किया 3 गया, 3 को दो से भाग किया 1 गया। सबको जोड़ा, सबको जोड़िए 50 25 75 और 75 10 85 12 97, कुल मिला के 97 बार होगा, 97 टाइम्स। कितने लोग स्पष्ट किए, एकदम सही है, 97 बार शून्य आएगा, 97 इस प्रश्न का सही हल हो जाएगा। कंफर्म हो गए सभी लोग? यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। सेम प्रोसेस 6 पर चलेगा, 7 पर चलेगा, 8 पर चलेगा, 9 पर चलेगा, फिर फंसेगा एक जगह आकर, मैं आपको समझाता हूं। दो तीन प्रश्न और मैं कराऊंगा, अगर आप सहमत हो, तैयार हो और तो मुझे बताएं कि हम दो एक प्रश्न और करा दें, काफी कुछ क्लियर हो जाए आज के लेक्चर में। हाँ बताएं प्लीज, क्लियर है सभी लोग? मैं कवर कर लूं दो तीन प्रश्न और, दो तीन प्रश्न और उठा ले। मैंने जैसे कहा कि यह प्रक्रिया, जैसे दो का चला, चार का, तीन का चला, चार का चला, पांच पे बदल गया, पांच क्योंकि अधिकतम बार होता है, तो पांच की उपलब्धता, मतलब पांच वाले प्रश्न में हम दो के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, बाकी में पांच सहारा है हमारा, पांच बहुत मजबूत पक्ष है और पांच का उपयोग हम मैक्सिमम करते हैं, अधिकतम बार करते हैं। लेकिन मान लो हमारे सामने वही आ जाए जो सबका सूत्रधार है, कौन, 10, 10×20×30×40×50×100, मान लीजिए हमने कहा 600 है। अब हमसे नंबर आप जीरो पूछा, भाई हम लोग ये बताइए, सबका लेना देना अगर देखा जाए ना शून्य का, तो सबका लेना देना किस पर था, 10 पर था। जोड़े क्यों ढूंढते थे पांच और दो के, इसलिए क्योंकि एक पांच और दो का जोड़ा मिलकर 10 होता है, गुणा करने पर 10 होता है, तो सबका लेना देना 10 से है। पांच और दो के जोड़े जो होते थे 10 को बनाने के लिए हम निर्धारित करते थे, तो अगर हमको एक 10 मिल गया तो समझो पांच और दो का एक जोड़ा मिल गया। मतलब मेरी बात आप समझिएगा, अगर मुझे एक 10 मिल गया तो पांच और दो का एक जोड़ा मिल गया और वही नंबर आप शून्य हो गया। तो मतलब अब ये तो आ गया सबका, जैसे एक तो होता नहीं कि सबका जो मॉनिटरिंग पार्ट था वो चला आया हमारे पास। अब इस प्रश्न में हमने उन्हीं को पकड़ लिया। अब देखो भाई, अगर इसकी बात करो, यह 10×1 है, इसकी बात करो 10×2 है, ऐसे इसकी बात करें तो 10×60 है, तो ले देकर 10^60, क्योंकि 10 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 60 बार हमें यहां मिल गया, 10×60 बार तो यहां पर मिल गया है, मतलब 60 शून्य इस नंबर में हमको मिले, 60 शून्य। तो बचा क्या है, 1×2×3×60 तक, अभी इनमें भी तो शून्य मिलेंगे, और एक से लेके अगर नंबर प्रारंभ है तो उसके शून्य किस पर निर्भर करते, पांच पर। हम गए भैया, हमने कहा बुलाओ इनको, 60 को मैंने पांच से भाग किया 12 बार गया, 12 को मैंने पांच से भाग किया, 12 को मैंने पांच से भाग किया तो 5×2 = 10, 2 तो 12 दो मिलके कितना होता है, 14। 14 देखो, अब आपके पास दो नंबर है, एक नंबर ए है जिसके पास 60 बार शून्य है, दूसरा नंबर ए है जिसके पास 14 बार शून्य है, 14 और 60 को जोड़ दिया तो 74 बार, कितना हो गया, 74 बार आपको शून्य नजर आया, 74। हाँ बिल्कुल, 74 टाइम्स जीरो आपको अवेलेबल दिखा। अब इतना एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अगर करना होता तो मैं जानता था कि 10×60 है, तो मैं इसके लिए तो कंफर्म हो गया था कि 60 बार तो हो चुका है, 60 बार एडिशनल हो जाता है। अभी 60 को फिर 5 से भाग करिए, 60 को तभी किया हम लोगों ने, 14 ये आया था, इसी में 14 हम ऐड कर देते, हमें पता चल जाता कुल कितने शून्य आए, कंफर्म था। तो अगर जैसे पिछले प्रश्न में होता था, जो बाहर आता था दैट वाज नॉट इंक्लूडेड द जीरो, बट दिस टाइम जो 10 की पावर अगर कुछ आया है
दैट विल इंक्लूडेड द जीरो, उसके पास जीरो तो ऑलरेडी है, दूसरे नंबर भी हमें जीरो दे रहे हैं, तो हम दोनों को ऐड करते हैं इस दशा में और शून्य को काउंट कर लेते हैं। 60 में मैंने थोड़ा सा बताया कि आपको ऐसे करने की आवश्यकता है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 गुड़े, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, 30 गुड़े, 40 गुड़े, सो ऑन। मान लीजिए मैंने कहा कि 120 है, मुझे आप बताइए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो बताए। अब आपको क्लियर है कि ये क्या है, ये है 10 की गुड़े 12, मतलब 12 बार तो कंफर्म हो चुका है पहले से ही, 12 बार, क्योंकि 10 गुड़े 12 है तो 10 तो 12 बार निकल चुका है। अब 12 को फिर 5 से भाग करें, 5 दो ना 10 होता है, 5 दो, अब तो जाना नहीं, दो बार यहां पर भी आ गया, तो 12 में दो जोड़ दीजिए तो मिलके कितना हुआ 14 बार, दो 14 बार, यहां पर इस प्रश्न का सही हल कितना हो गया 14 टाइम। कंफर्म हो गई इतनी बातें, कंफर्म हो गई, हाँ ठीक है। हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत, सही है सबका, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक ओके। आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर एक नंबर और उठाते, हमने कहा 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, सो ऑन। हम लोग पहुंच गए मान लीजिए 1200 पर। अब मुझे आप बताइए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। मैं एक आप लोग को स्टोरी बताऊं, स्टोरी क्या मतलब, एक परिस्थिति। पहले जब ऋषि मुनि समाज के हित के लिए, अपने ज्ञान का अर्जन करने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए यज्ञ किया करते थे ना, तो उस यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए कुछ जो दुष्ट आत्मा होती थी, राक्षस होते थे, जो समाज के हमेशा अहित में काम करते थे, उलागा के उनको व्यवधान डालते थे। आप पढ़ रहे हैं ना, आप व्यवधान समझ रहे हैं कहां पे आ रहा है, कमेंट में आपको व्यवधान दिख रहा है, और मैं आपको नाम लेके नहीं बोलूंगा, लेकिन व्यवधान आपको दिख रहा है, तो आप लोग उस व्यवधान को अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालिएगा, और ऐसे लोग भी पढ़ें, ऐसे समाज की कल्पना कीजिएगा, भाई उनसे बोलिए अभी पढ़ो, आप भी पढ़ो और आगे बढ़ो, बाकी जो है आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, यस ठीक है। ये दुष्ट आत्माएं हैं, और ऐसी दुष्ट आत्मा से बचें आप लोग, और उनसे कहें कि भैया आपका जहां स्थान है वहां जाओ, ये जगह नहीं है आपकी, ये जगह जो है ना हम लोग के पढ़ने सीखने और जानने की है, यहाँ पे आपका काम क्या है यार। हाँ चलो बताओ प्रश्न का उत्तर बताओ, आइए बाकी आप सब समझदार हैं, और ये है हमारा प्रश्न, आप उत्तर बताएं फटाफट सब लोग, अब इसका काम करें। हाँ यस 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 हाँ, इसमें देखो जैसे हमने लिखा कि अगर आप समझ गए होंगे 100 गुड़े एक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो 100 गुड़े 12 है, मतलब भैया 100 की पावर 12 निकला हुआ है, 100 की पावर अगर 12 निकला है, एक गुड़े, दो गुड़े, सो ऑन, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब मुझे आप बताइए कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने आए कुल मिला के, इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है कितने आए आप मुझे बताइए प्लीज। अब आप यहां से जीरो देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीरो 10 के ऊपर डिपेंड करता है कि 100 के ऊपर डिपेंड करता है, आप मुझे बताइए। जीरो जो होता है वो 10 के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसको चाहूंगा 10 की पावर 2 की पावर 12 कर दो, अर्थात ये 10 की पावर 24 होगा, जो 100 की पावर 12 है वो 10 की पावर 24 हो जाएगा। इसमें कितने होंगे, इसके लिए आप 5 से भाग कर दो, 5 दो ना 10, 2 बार आएगा, तो यहां पर आपके सामने 24 बार है, 24 में 2 जोड़ दीजिए, कुल मिला के शून्य कितनी हो जाएंगे 26 बार, कितने बार हो गए 26 बार, सही है। मेरी बातें आप समझ गए कि नहीं, मैंने क्या बताया, हमने कहा कि इधर आपको 10 की पावर 24 हो जाएगा, मतलब 24 बार, इधर 2 बार, तो कुल मिला के 10 की पावर, मतलब एक तरह से 10 जो हो गया 24 बार और 2 बार मिलके 26 बार, अर्थात शून्यों की संख्या 26 हो गई। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का भी हल बता सकते हैं, ऐसे जो भी इस टाइप के नंबर मिलेंगे हम उनका उत्तर इजीली दे सकते हैं, चाहे जिस प्रकार के हो। मान लो ये 1000 से होता, जैसे मान लीजिए एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं इसी से, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 3000 है सॉरी, ऐसे बढ़ते गए, मान लीजिए हमने कहा 8000 होता या 80000 होता। अब आप में इसमें नंबर आप जीरो पूछा जाता तो आप कहते सर कि हम 1000 की पावर, क्योंकि आप इसको अगर गुणा कर दें तो 80 गुणे 1000 होगा, तो 1000 की पावर 80 हो जाएगा, और यहां पे नंबर जो होंगे 1 गुणे 2 गुणे कहां तक पहुंचेगा बताइए, 80 तक पहुंचेगा,
तो भैया एक पहले देख लो, बाकी उधर तो आप कर लेंगे। इसको आप 10 की पावर 3 लिखते हैं और गुणे 80 कर दीजिए, तो यहां पर 10 की पावर 240 हो जाएगा। जो 1000 की पावर 80 है वो 10 की पावर 240 होगा। 80 को चलिए 80 का जीरो पता करने के लिए 5 से भाग करें, 5 कितना होगा 16, 5 80, 16 को 5 से भाग करें, 5 3 15 होगा, अब जाएगा नहीं, 16 3 19 हो गया। तो 240 में अगर हम 19 जोड़ दें तो 9 हो गया, 5 हो गया, 259 बार, कितने शून्य हो गए, 259। इस तरह से अगर 100 का बने, 1000 का बने, 10000 का बने, चाहे जो बने, आप पैटर्न को पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आपने काफी कुछ सीखा और काफी कुछ रिवाइज किया, ठीक है। आप अगर न्यू थे, मतलब आपने पहली बार इन चीजों को पढ़ा, तो आपको समझ में बातें आई होगी। अगर आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं तो आपने रिवाइज किया होगा। जो भी किया होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और वहां पर आप अपने विचार, अपनी जो समझ है उसको साझा करिएगा, जो आपने फील किया है, और क्लास कैसी लगी इसको भी बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक मोटिवेशन आप हमें प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे कि हम आगे भी आए तो आपके लिए कुछ बेहतर सोचकर समझकर और उपयोगी चीजें लेकर आए। बाकी मैंने जैसे आपसे कहा कि सिस्टम अग्रेसिव है, आपके लिए वेल प्रूफ प्लानिंग रेडी कर चुका है और बहुत जल्द से जल्द आपको अच्छे अच्छे और जो उपयोगी जो हमारे सिस्टम का पार्ट है या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब की गतिविधियां देखने को मिलेगी, बैचेस की गतिविधियां देखने को मिलेगी, मतलब आगे की जो रूपरेखा है बहुत जल्द आपके सामने होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, ढेर सारा प्यार, थैंक्स।